लोकायत में आप सभी का स्वागत है और आज हम एक ऐसी जगह पर बैठे हैं जो दुनिया के अंबेडकरवादियों के लिए एक बहुत गर्व करने का विषय है। यह है अंबेडकर सेंटर साउथ हॉल इन लंदन और हम बात कर रहे हैं श्री गौतम चक्रवर्ती से। उन्होंने ही इस केंद्र को बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की है और वो कब यहाँ आए, किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया, ये सारी चीज़ें हम उनके साथ में आज यहाँ पर चर्चा करेंगे ताकि देश और दुनिया में जो भी अम्बेडकरवादी लोग हैं वो इस केंद्र से प्रेरणा लेकर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को और आगे बढ़ाएं। जय भीम मनो। जय भीम नमोदाय। तो गौतम जी, मैं जानना चाहता हूँ कि व्हेन एंड हाउ डिड यू कम टू लंदन, व्हाट वर द रीजंस, कैसे आए, क्या है? बस एक लगन थी कि सभी हम लोग सुनते थे सभी लोगों से कि भाई एक लंदन एक ऐसी जगह है जहाँ से बहुत कुछ चीज़ें हमको जानकारी मिलती है, जैसे कि वेस्टर्न एक्सप्लोजर की सभी को एक तरह की लगन थी कि भाई वेस्टर्न एक्सप्लोजर तो होना ही होना चाहिए। अगर हम हमारी जिस हालत में आए वहाँ से हमने बाहर निकलना है और बाहर की चीज़ों का हमने अध्ययन करना है, बाहर जाना है जी, तो कठिनाई तो झेलनी पड़ेगी, लेकिन हमने तय कर लिया कि हमको भी जाना है। अच्छा, तो किसी न किसी बहाने से आज से 48 ईयर्स बैक 1969 हाँ, अच्छा, तो तय कर लिया कि भाई जाना है। अच्छा, तो हमारे एक दोस्त थे उसने मुझे हेल्प की। अच्छा, तो उसकी हेल्प से मैं यहाँ आ गया कि भाई वो समय तो ऐसा माहौल था कि हमारे लोग बहुत ही कम थे जी, बहुत यानी ढूंढे भी मिलते नहीं थे, बहुत बहुत दूर दूर काफले जाना पड़ता था, लेस्टर मैनचेस्टर दूर दूर, यहाँ तो बहुत ही कम लोग थे, लेकिन बहुत से लोग आ भी चुके थे 1950s के हमारे पहले 10-15 साल हमारे पहले भी लोग आ चुके थे और वो बाबा साहब के साथ भी काम किए हुए लोग भी आ चुके थे हमारे पहले जी जी। तो कुछ लोगों से भी हमको जानकारी मिली, सीखने का मिला और प्रेरणा मिली, तो कुछ मिशन की मूवमेंट तो ऑलरेडी यहाँ चल चुकी थी जी, चलती थी। तो उसके बाद में हम तो सेकंड माने 69 में जब आप आए तो आप कितने, क्या एज रही होगी, आप यहाँ के पढ़ाई किए या वहीं से पढ़ के आए या क्या? मैं वहाँ पढ़ के आया था। क्या आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया जी, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री। अच्छा, हाँ, और मैंने लॉ भी किया वहाँ। अच्छा, हाँ, लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाया था मैं। अच्छा, लॉ कंप्लीट नहीं कर पाया, कंप्लीट नहीं कर पाया, तो फिर यहाँ मैं आया, तो फिर मैंने यहाँ फिर इकोनॉमिक्स ज्वाइन किया। तो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई मुझे लंदन यूनिवर्सिटी से मैंने शुरू की, लंदन यूनिवर्सिटी से। अच्छा, पार्ट टाइम में स्टडी करता था, लेकिन वो हालात की वजह से इतना मैं आगे नहीं बढ़ पाया। अच्छा, तो पार्ट टाइम में थोड़ा बहुत इधर उधर स्टडी करता रहा जी, लेकिन वो कोई डिग्री और कम्प्लीट नहीं, कोई कम्प्लीट में कोई जगह पर नहीं, क्योंकि अच्छा, बहुत काम करना पड़ता था, बहुत तरह तरह के। यहाँ पर आके हमने क्या काम शुरू किया पहले? तरह तरह के काम किए, जैसे मार्केट करना, कुछ लोगों के साथ जाके हेल्पर के तौर पर काम करना, और फिर जो और लोग है उसको जो हेल्प चाहिए उसको जाके हेल्प करते थे, ऐसे तरह तरह के हम लोगों ने काम किया। जैसे पंजाब से जो लोग आए वो ज्यादातर फाउंड्रीज में वर्क किए। हाँ, और गुजरात से लोग थोड़ा बिजनेस में ज्यादा थे पहले, बिजनेस में जो कोई लोग बिजनेस में थे उसके साथ जाके हाथ जुड़ाए, उसको हेल्प किया, और ऐसे करते करते फिर वो 3 साल के बाद और लोगों की हेल्प से हमने भी अपना कारोबार शुरू किया। अच्छा, अपना कारोबार शुरू किया। बहुत कठिनाई झेलनी पड़ी, किसी से उधार लिया, किसी से लोन लिया। अच्छा, तरह के। तो किस चीज का कारोबार था वो? कारोबार जो है हमने शूज का कारोबार शुरू किया। शूज का किया, दुकान करी। अच्छा, दुकान शुरू की थी जी। तो दुकान में जो मेरे जो भाई बहन दोस्त था जो है दोस्त लोग उसने हेल्प की। अच्छा, उसमें धीरे 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 हम लोग डेवलप करते गए, तो फिर वो दरमियान में मैंने फिर वो शादी भी कर ली। अच्छा, तो अच्छा, तो सेटल हो गए बाद में धीरे धीरे, तो शादी यहीं हुई। यहाँ ही शादी हुई। तो आपकी वाइफ जो थी वो तो इंडिया से आई है? ये मेरी वाइफ जोहानिसबर्ग से है। जोहानिसबर्ग से है, तो आपको गुजरात कनेक्शन से आना, वो साउथ अफ्रीका भी कनेक्शन। फादर इन लोग के जो है ना वो 20s में वो गए थे जोहानिसबर्ग, मेरे
ग्रैंडफादर इन लो जी 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 फादर इन लो तो मेरे फादर इन लो और वो लोगों की वजह से और वो लोगों का वहाँ कारोबार था और मिसिस भी चाहती थी कि हम लोग कुछ कारोबार करें और हम लोग काफ़ी सक्सेसफुल रहे बिकॉज ऑफ मई मिसिस की बहुत एक्सपीरियंस उस फील्ड में उसका अपना काम करने का अपनी लगन अच्छा उससे हम लोग काफ़ी सक्सेसफुल रहे तो हम ऐसे करते 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 38 ईयर हम लोग बिजनेस करते रहे 38 से जी 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 38 ईयर्स का कारोबार किया फिर हमने सोचा कि अभी जो है ब्रेक लेना चाहिए अब बच्चों को दे देना चाहिए बच्चे को ना बच्चे लोगों को तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं अच्छा अपने अपने आप एजुकेशन फील्ड में और वो हाई स्कूल के टीचर है अच्छा अच्छा अपने आप कहते हैं कि हमने ये कारोबार नहीं करना लग नहीं लगता और दूसरा हालात भी बिगड़ गया पूरे विश्व का जो हमारा कारोबार ज्यादा से ज्यादा रहा उसमें चाइना ने काफी इफेक्ट तो चाइना जो भी कुछ हम करते थे उसकी कॉपी कर लेते थे और कुछ में हम लोग फिर रिटेल में से होलसेल बिजनेस में भी गए अच्छा तो उसमें फिर काफ़ी हमको मार पड़ने लगी अच्छा अच्छा तो अच्छा, हमने अच्छा। फिर तय किया कि भाई अभी बहुत हो चुका अभी थोड़ा ब्रेक लेना है और ज़्यादातर तो मेरा समय तो बाबा साहब के मिशन के साथ और लोग के साथ मिलना जुलना और भारत में भी तरह तरह की एक्टिविटीज़ में उसमें हेल्प करना जितनी हो सके इतनी और जो बाबा साहब के दिया रास्ता पर चलना ये हमारा तो बाबा साहब के मिशन में आप कैसे जुड़े कब से जुड़े मतलब वो तो बहुत मैं हाई स्कूल में जब था जी तब से ही हम लोगों ने जो हाई स्कूल के स्टूडेंट यूनियन थे तो उसमें तो काफ़ी अच्छा। के काम करते थे अच्छा। तो स्टूडेंट के समय में हाई स्कूल के डेज में सो 55 ईयर्स करीबन में बहुत यंग था हाई स्कूल की तो तब से हम लोग लगे रहे और फिर एक तय किया कि ये सही रास्ता हमारे लिए है बाबा साहब का तो पढ़ाई की सोचते रहे और खास तौर पर जो हमारे जो एल आर बाली साहब जो है जब हम इंडिया में थे तब भी वो आते थे हमारे अच्छा, आते थे बाली साहब आते थे अच्छा वो आरपीआई के मजबूत करने के लाते होते थे पत्रिका और वो वहाँ आती थी और वो उससे हमको काफ़ी जानकारी और वो मिलता था जी तो उसके बाद में फिर भगवान दास जी भी काफ़ी हमको प्रेरणादायक रहे जी और ऐसे बहुत से महाराज से भी काफ़ी लोग हेल्प रहे हैं आपको अच्छा अच्छा जी तो ये जो अंबेडकर मिशन जो आपने बनाया है यहाँ पर ये सेंटर बनाया इसके पीछे प्रेरणा क्या थी और कौन लोग थे और क्या किस प्रकार का संघर्ष आपका था ये बहुत से लोग थे कुछ लोग जो गुजरात से आए थे ज़्यादातर लोग तो महाराष्ट्र और पंजाब से जी और वो लोगों की एक भावना थी कि हमारा जो काम है असली वो यहाँ तो है ही लेकिन यहाँ हम जुड़ के सब लोग इकट्ठे होके हमारे मुल्क में भी जो हमारे लोगों की समस्या है उसके बारे में वाचा दे और उसके लिए पब्लिशिंग प्रिंटिंग हम लोग छोटे छोटे लिफलेट निकालते थे और वो सर्कुलर भेजते थे पहले के ज़माने के अंदर तो आजकल तो बदल गया है लेकिन वो टाइम पर छोटे छोटे पैम्फलेट फोर्टनाइटली मंथली जैसे जैसे भेजते रहते थे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में कभी हिंदी में तो कभी मराठी कभी गुजराती ऐसे भेजते रहते थे और लोग इतनी दिलचस्पी से पूछते भी थे वो टाइम पर इंक्वायरी करके पूछते थे कि भाई वो चिट्ठी लिखते थे पोस्ट कार्ड जैसा कि भाई वो इस दफ़ा आपका जो फोर्टनाइटली है वो मिला नहीं अच्छा तो ये एक तरह का उत्साह और उमंग था जी तो ये एक बहुत ही डिफरेंट माहौल था और डिफरेंट समय था कब बना ये सेंटर ये सेंटर तो बहुत समय लगा वो इसीलिए तो हम लोग पहले हम लोग जुड़ गए जो सेंटेनरी के टाइम में अच्छा तो 89 के अंदर जो है सेंटेनरी हमने बाबा साहब की सेंटेनरी बड़े पैमाने पर मनानी है सभी लोग अच्छा पहले कर दिया था तो पहले से प्लानिंग करने के लिए जी तो फिर वो प्लानिंग की इतनी मीटिंग जगह जगह पर चली मिडलैंड में यहाँ जगह जगह पर सभी लोगों ने इकट्ठा करके एक ही तय किया कि बाबा साहब की सेंटेनरी जो है हमने बड़े अच्छे से मनानी तो वो फिर क्या हुआ कि 1990 में बाबा साहब सेंटेनरी सेलिब्रेशन कमेटी बनी और वो कहते हैं कि गौतम जी आपने ही ये काम लेना है अच्छा तो आई वाज द कोऑर्डिनेटर ओके एंड
अजीज साथी चरण चहाल जी थे जी, चेयरमैन थे जी, 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 और बहुत अच्छे ढंग से लॉन्च हुआ पार्लियामेंट के अंदर, और वो तब से तरह तरह के सेमिनार, तरह तरह के लिटरेचर्स, और हमारी जो लिटरेचर जो 300 इन ईयर पर्टिकुलरली निकले 90, 91 एंड 92, ये जो 300 इन ईयर निकले उसके अंदर हम लोगों ने बहुत मेहनत की जी जी, बड़े बड़े माने एकेडमिक्स है, बड़े स्कॉलर्स है, उसकी हमने राय ली, इंडिया में भी जो जीवित लोग थे बाबा साहब जी सहयोगी थे जी, ऐसे लोगों से हमने काफी सहयोग लिया कि भाई आप लिखो और बताइए, तो इस तरह से वो हम लोगों ने कंपाइल किया। और कुछ ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के स्टूडेंट जो है रिसर्च स्कॉलर्स, उसने भी उसमें से काफी प्रेरणा ली और वो लोगों ने क्रेडिट भी दिया है, दे हैव एक्नॉलेज दैट द सम ऑफ द मटेरियल्स वाज रियली देयर मटेरियल्स एंड वी वर वेरी जी, डेफिनेटली आई हैव सीन दोस मटेरियल्स, बहुत 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 बढ़िया है। सो फॉर 3 इयर्स व्हाट वी वर्क हार्ड टू क्लोजिंग टाइम वाज द क्लोजिंग ऑफ द आई मीन Centenary Committee was 92. You know, until then, we done exhibitions, launching of the books, donating the books and all that. And particularly one thing I mentioned, that what work happened, and particularly with the Vasant Moon, yes. who used to be very close friend of ours. And he came to London as well. He hamare saath rahe bhi. और उसने इतनी हेल्प की कि वो जाते थे हमारे साथ प्रकाशन हाउस में जी जी, और वहाँ जाके बाबा साहब के पब्लिकेशन को वो स्पेशल कहते थे कि ये लोग जो है वहाँ बांटते हैं जी जी, लोगों को जी भेंट करते हैं, तो आप उसको स्पेशल डिस्काउंट दीजिए। तो वहाँ स्पेशल हमारे जो मैनेजर भी थे उसको भी बोलते थे, और कभी कभी तो सोल्ड आउट हो जाते थे, वो रिजर्व करवाते थे किसी न किसी वजह से। तो All in all, more than 380 से ऊपर जी सेट हमने वहाँ से मंगवाए। 90 में जो गवर्नमेंट थी वो काफ़ी पॉजिटिव थी, जिसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे और राम विलास पासवान जी बड़े इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे, और उसी समय सेंटेनरी सेलिब्रेशन का ये दौर चला था। तो वो क्या वो यहाँ पर आए थे क्या? वो आए, और वो आए लेट, थोड़े आए नहीं कि वो टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उसके बाद में जब भी वो आए, खास तौर पर वो 92 में हमारे से काफ़ी जुड़े गए। अच्छा, 92 में, 91 में भी आए वो अपनी ट्रीटमेंट के लिए, 92 में खास करके, और वो उसके अपने ट्रीटमेंट के लिए आते थे, लेकिन साथ में हम लोगों को सहयोग भी दिया और हमारे प्रोग्राम में भी आते रहे। तो वो एक उसका अपना बड़प्पन था कि वो हमारे साथ जुटे रहे और सहयोग दिया और सराहना भी की हमारी एक्टिविटीज का। तो एक एक बहुत अच्छा हम लोग को प्लस पॉइंट था हमारे लिए, वीपी सिंह साहब ने हमारे लिए और काफ़ी काम किया, और वो जहाँ हम भी वहाँ भी जाते थे तो हमको काफ़ी गाइड करते थे। अच्छा, क्या आप लोगों ने इस तरह से काम लेना है, ऐसे करना है, तो काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोग्राम भी उसकी प्रेजेंस में बहुत से हुए 92 में खास तौर पर। उसके बाद में फिर छोटा मोटा गैदरिंग और मिलना जुलना और एक होता रहा, वो थोड़ा छोटे मोटे गैदरिंग में भी चले जाते थे, आते थे वो थोड़ा बड़ी वाले नहीं, नहीं ऐसे ऐसे कुछ नहीं, लेकिन वो खास हम लोग सिलेक्टिव लोग रहते थे, ज़्यादातर लोग नहीं कि वो बहुत लोग हो जाए जी, कम लोग, लेकिन वो काफ़ी तरह से लोगों को मिलना बहुत पसंद करते थे और बात करते थे, और वो बहुत दिलचस्प थे, लोगों को ऐसा लगता था कि रवि साहब कैसे हस्ती है और क्या है, लेकिन वो जरा भी उसको कोई गौरव और अभिमान नहीं था, और वो राजा महाराजा और ऐसी ऐसी कुछ चीज़ वो उसके अंदर बहुत ही सिंपल, और वो जब भी हम जाते थे तो वो हमेशा वेलकम करते थे, बात करते थे, बैठते थे, तो वो एक बड़ा बड़प्पन था जी जी साहब का जी। तो ये एक बहुत अच्छा समय था। तो अभी यहाँ के मिशन की मूवमेंट की बात कहो, तो जैसे ही ये 92 में जो ख़त्म हुआ, उसके बाद में हम लोग सब प्लानिंग कर रहे थे, वो टाइम आवाज थोड़ा सी बढ़ा दी, वो भी टाइम पर हम लोग सोचते थे कि किसी न किसी तरह से हमने जी
अभी हमारी एक जगह होनी चाहिए। हाँ जी, बहुत काम किया इधर उधर हम गए, सेलिब्रेशन हुए, लेकिन अभी क्या करना है कि कुछ हमारी जगह होनी चाहिए जी। तो 93 के अंदर हम लोगों ने एक जगह को देखी, इस जगह को जी 12th February का, तो ये जगह कम्प्लीटली बर्न आउट थी, उसमें कुछ भी नहीं था, कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी। अच्छा। तो वो ऑर्गेनाइजेशन की जगह जो थी ये कम्प्लीटली रन डाउन थी जी जी। तो ये अभी आप देखेंगे कि उसके सारी की सारी चीजें हम लोगों ने जी नई बनाई, और उसके लिए हम लोगों ने पूरा 3 साल हमको लगा जी। तो 3 साल के बाद में फर्स्ट पेस ऑफ वर्क जो है, पहली मेन बिल्डिंग जो है जी, ये 96 में हो गया। तो 96 में जब हो गया तो 96 अप्रैल में एलएम सिंघवी साहब, वो बहुत अच्छे सज्जन थे, उसने किताबें भी इंडिया से लाके बहुत सी भेंट की। अच्छा अच्छा। और वो नीचे का प्लाक भी आप देखेंगे, एलएम सिंघवी साहब ने कुछ कविताएं उनकी लिखी हैं। हाँ, कविताएं भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कविता लिखते थे। और वो एलएम सिंघवी साहब इधर आए और एलएम सिंघवी साहब ने ये ओपनिंग किया 93 में जगह ली थी। 3 साल हमको लगा, तो 3 साल हम धीरे धीरे, कभी जो फंड है एग्जॉस्टेड हो जाता था तो फिर हम लोग फिर फंड कलेक्ट करते, पूरा जो स्ट्रक्चर जितना है अभी वो 96 पे पूरा बन गया। पहला जो पेस है जो यहाँ तक, माने ये जो पहली जो बिल्डिंग जो दिखाई देती है, फिर एक्सटेंशन ऑन हॉल वो बात के बाद में आता हूँ। तो वो टाइम पर वो हम लोगों ने साहस किया, और सबसे अच्छी बात थी कि वो टाइम पर द मोस्ट वल्नरेबल बंदे वजीरानंद, जो यहाँ के संघ नायक थे यूरोप के बुद्धिस्ट संघ के, तो वो ओपनिंग करने को आए थे। अच्छा। बहुत अच्छा माहौल था, बहुत से लोग आए थे। हमारे मेयर अभी नहीं रहे, माधवराव पाटिल जी। अच्छा। वो टाइम पर वो डिप्यूटी मेयर थे। अच्छा। तो वो माधव पाटिल साहब ने ओपनिंग में उसने भी हिस्सा लिया था जी जी। तो वो एक समय का वो माहौल था। और उसके बाद में हमने 3 साल मेहनत और लगाई। अच्छा। और पीछे का एक्सटेंशन फिर हुआ 2000 वो फिर से वो उसका हमने 4 साल लगा। अच्छा, 4 साल। हाँ, तो 2000 में अच्छा लोगों ने हॉल का ओपनिंग। अच्छा। और फिर ये नीचे का पिछले जो कमरे का एक्सटेंशन है जी जी, वो हम लोगों ने 4 साल में वो भी कर लिया। तो ये पूरा का पूरा मिला कि हम 93 से लेकर 93 से लेके और 2000 तक। तो इस केंद्र को आप जो है अभी जो विजुअलाइज आप लोगों ने किया है, क्या इसका विजन देखते हैं? विजन सबसे पहला तो ये है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का जो सपना था लोगों के अंदर चेतना लाने का, लोगों को जो कारवा है वो किसी न किसी हिसाब से वो रुकना नहीं चाहिए, चलता है। बिल्कुल। जैसे कि हमारे यहाँ मेहमान आए, नानक से दत्तू जी आए जी। और भी बाबा साहब के जुड़े हुए लोग जो है इधर आते रहे, बंदावने साहब आए जी, फिर वो जो गोड़ बोले जी जो दीक्षा की था जी जी, वो आए, ऐसे बहुत से लोग जो है वो आते रहे जी, और वो लोग प्रेरणा देते रहे। तो वो हमको यही कहते थे कि आप लोगों ने जो बीड़ा लिया है और पूरे विश्व के अंदर कोई भी जगह पर इतनी अच्छी जगह की जहाँ कितने लोग आते हैं जी, माने मुंगेकर जी कहो आप, थोराज जी कहो आप, हमारे सभी के सभी जो मिशन के जुड़े हुए लोग हैं वो कोई ऐसा नहीं है कि वो नहीं आए जी। बिल्कुल। आते हैं, यहाँ रहते हैं और वो लोग अच्छी तरह से लोगों को मार्गदर्शन देते हैं, और हम लोग इंटरेक्शन के लिए वो लोग के साथ मीटिंग भी रखते हैं जी जी, टाइम टू टाइम हमारे हॉल के अंदर आने जी। तो एक ऐसा एक माहौल और ऐसा ये वेस्टर्न हेमशायर में जी बना है जी। और इसके लिए जो जो लोग हैं यहाँ के, वो लोगों को सिर्फ एक ही चीज का है जी दिमाग में कि एक ऐसा हमने एक मैसेज देना है वेस्टर्न कंट्रीज में, पर्टिकुलरली वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, कि आने वाले समय में बाबा साहब का मिशन और भी आगे बढ़े। जो पूरी दुनिया के अंदर अम्बेडकराइट्स हैं, वो ये लंदन के अम्बेडकर सेंटर को एक इट्स अ काइंड ऑफ मॉडल, रोल मॉडल फॉर देम, क्योंकि पहली बार जो है वेस्टर्न वर्ल्ड में, और वो भी ब्रिटिश राज, यानी कि
के कैपिटल में जी, कैपिटल सिटी के अंदर ही होना जहाँ दुनिया भर से लोग आ सकते हैं जी, और डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जान सकते हैं जी। तो क्या जो दुनिया के दूसरे हिस्सों में जो अम्बेडकरवादी लोग हैं उनके साथ में आप लोग कुछ संपर्क, कोई एक मिशन को लेके कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं? बहुत ही कार्य कर रहे हैं, जैसे कि अभी आज से बराबर 4 साल पहले जो वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो जगह ली जी, और उसके लिए भी जो प्रेरणा जो है 2000 में जब रमा अम्मा ने हमारी सविता माँ अम्बेडकर के साथ हम लोग गए थे वहाँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी, तो ओपनिंग होने के बाद वो स्टेच्यू इंस्टॉलेशन होने के बाद हम लोग जब बैठे थे तो हम लोगों ने यही बात की, बहुत से वहाँ के एक्टिविस्ट आए थे अमेरिका में, तो वो लोगों ने डिसाइड किया कि भाई किसी न किसी हालत में हमारा यहाँ जो है न जगह होनी चाहिए। तो वो 2000 में वो बात हुई थी। अच्छा, तो वो 2000 की फिर बाद में 4 साल पहले जी, वो जगह ली और वो जगह ली तो ली, लेकिन कितनी बड़ी जगह ली, बिग जगह है, और वहाँ अभी वो लोगों का प्लान है कोई अच्छा स्मारक बनाने का। इस तरह से बहुत से लोग जगह जगह से अभी आते हैं, लोग रहते हैं हमारे साथ, और जैसे स्पेन के अंदर लोग अभी सोच रहे हैं कुछ अच्छी संस्था बनाने की, इटली के अंदर चल रहा है, बहुत सी फ्रांस में चल रहा है, तो रविदासिया भाई लोग भी जो है काफी प्रेरणा लेते हैं, आते हैं हमारे साथ, हम भी वो लोग के साथ मिलजुल के काम करते हैं। तो एक इस तरह से ये लाइक लिटिल इंडिया है साउथहॉल जी, एयरपोर्ट से बहुत नजदीक है जी, तो एक बहुत अच्छा बहुत बहुत लाभ है बिल्कुल, और जो हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर आके रह सकता है जी, जी, जो भारतीय जो भी किसी कास्ट क्रीड का है, और मेरे को लगता है कि आपने तो शायद यहाँ पर जितने लोग आए होंगे जो जरूरत में रहे होंगे, जब तक उनकी जरूरत पूरी नहीं हुई यहाँ पर रहे हैं और काम किया है, वो रहते हैं और अपनी स्टडी करते हैं, और इतना माहौल ऐसा खड़ा हुआ कि आज की तारीख के अंदर ओवर 600 जी, जो जैसे कहो कि एकेडमिक कहो या एक्टिविस्ट स्टूडेंट कहो, फिर अपने अपने छोटे छोटे डिप्लोमा कहो जी, वो लोगों ने किया है यहाँ से रह के और वो अभी भी सराहना करते हैं कि हम आज जो भी है जिस जगह पर है, तो इस संस्था के पहले हम लोग यहाँ रहे जी, महीने रहे, 2 महीने रहे, 6 महीने रहे, 1 साल रहे, लेकिन वो हमारी शुरुआत यहाँ से हुई थी। तो बहुत बड़ी बात है जी, कोई यहाँ आता है और उसको यहाँ तो आने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ही मकान खुजने की ही होती है, वो या होटल या मकान समझते हैं कि बहुत ही असंभव और बहुत ही एक्चुअली एक्सपेंसिव। लंदन इज द एक्सपेंसिवेस्ट सिटी, दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव शहरों में। हमने डोर खुला रखा और लोगों को हमने प्रेरणा दी और लोगों को कहा कि आपका घर है, वो जब भी पांव रखते हैं तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारा जी जी जी, तो एक भावना हमने क्रिएट की। तो अभी आने वाले समय में जो और है जी, किस तरह से और लोग कैसे ले जाएंगे, क्या करेंगे, वो तो आने वाले समय जी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हमारा काम हमने कर, आपने बहुत अच्छा काम किया, और वो मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि क्योंकि आप लोग पहली जनरेशन के लोग थे जो घर से बाहर निकले हैं जी, और पहली जनरेशन का जो है वो बाबा को, चाहे वो जितना भी उसकी क्वालिफिकेशन रही हो, लेकिन उसका पैशन जो है बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति बहुत ज्यादा था, जबरदस्त। और मैं ये कई लोगों को कह रहा था कि यूके के अंदर वो फर्स्ट जनरेशन के लोग, उन्होंने हर प्रकार के काम किए, क्योंकि अभी तो नई जनरेशन जो अमेरिका कनाडा में जा रही है जी, वो तो बड़ी हाईली क्वालिफाइड जनरेशन है, बहुत ही, तो वो तो ऑलरेडी अर्न कर रही है और एक बड़ी सैलरी पे जाती है जी जी, लेकिन जो यहाँ पर लोग आए उन्होंने पूरी मिशन को अपने साथ में जी रखा, और अपने घर भी, अपना घर में जो परेशानियां थी उसको भी पूरा करते हुए किया, तो ये बहुत बड़ी बात है जी। परेशानी तो जो अभी हम बातें करने चलेंगे तो वो इसके लिए जरूरी नहीं है, हम चाहते अभी, क्योंकि वो बहुत ही कठिनाई तो बहुत झेली जी जी, तो बहुत कठिन टाइम था, और ये सेंटर बनाने के लिए भी बहुत ही कठिनाई हम लोगों ने झेली, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा जी। तो एक बहुत बड़ी जो उपलब्धि जो अम्बेडकराइट्स की यूके के अंदर है, वो जो बाबा साहब का जो किंग हेनरी रोड पे जो उनका घर था उसको अब जो सरकार ने लिया है वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और हम समझते हैं कि शायद आप लोगों के प्रयास से वो एक बहुत बढ़िया म्यूजियम बने, ताकि दुनिया के लोग आए तो डॉक्टर अम्बेडकर को ये माने कि ही इज़ द मैन फॉर द वर्ल्ड,
एंड जैसे लोग मार्टिन लूथर किंग को देखते हैं तो हम किसी को कम और ज्यादा नहीं आंकना चाहते क्योंकि सब अपने अपने एज की उपलब्धियां हैं और अलग समाज और अपनी तरह की, लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि जब कोई लंदन आए, वेदर इज एन इंडियन और इज एन अफ्रीकन और इज एन अमेरिकन और एबोरिजिनल और ह्यूमन राइट डिफेंडर, दे शुड कम टू दिस प्लेस टू सी दैट अ पर्सन हु फॉट फॉर सो मेनी मिलियंस ऑफ पीपल फॉर देयर ह्यूमन राइट्स. सो बाबा साहब अम्बेडकर देन बिकम एन इंटरनेशनल आइकॉन फॉर द ह्यूमन राइट्स ऑफ द ऑल द ह्यूमन लविंग पीपल. ये तो नेचुरली है क्या कि जैसे भी लोग जो एयरपोर्ट पर जो है ना वहाँ से आते हैं, जैसे इधर अराइवल में से सीधे ही फोन करते हैं जी भाई हम आ गए हैं और रास्ता बताइए कि कैसे हमको जाके जी पहले टेन किंग हैंडीज रोड पर जाना है. अरे मैंने कहा अभी पहले आराम से होटल पर आओ, इधर आओ, जहाँ भी है आपका डेस्टिनेशन वहाँ तो जाओ पहले जी. लेकिन वो कहते हैं इसीलिए हमारा काम और कोई नहीं है इसीलिए हम आए हैं. तो ऑब्वियसली ये एक अट्रैक्शन है, पब्लिसिटी भी बहुत हुई. तो उसके लिए थोड़ा मैं डीपर में जाना चाहता हूँ कि जब भी 1970 में जब भी हमने पांव रखा वहाँ जाके देखे, जब हमने पढ़ा था उसके अंदर टेन किंग हेनरीज रोड के बाबा साहब के लेटर्स और उसमें, तो फिर वहाँ से हम गुजरते थे देखा 1970, तो तब से जो है हम जाते रहे देखते रहे, खड़े रहते थे देखते रहते थे, अरे बाबा साहब इधर आते थे इधर से जाते थे, क्या बात है. और वो टाइम पर 4 tenants थे. वो सभी लीज होल्डर थे, उसको सभी को मना के हमने कई दफा ऑफर भी किया भाई जो बाबा साहब जहाँ रहते थे वो हम लेने की कोशिश करें जी. तो वो टाइम पर वो जो निगोशिएट नहीं करते थे, जवाब नहीं देते थे, तरह तरह के बहुत से प्रॉब्लम आए. फिर हमने समझा कि भाई ये लोगों के साथ बहुत मुसीबत है काम करने का. एक दफा तो ऐसा हुआ कि वहाँ के जो श्रीलंका के जो कोलंबो सुप्रीम कोर्ट, अच्छा वहाँ का कोई चीफ जस्टिस, अच्छा वो वहाँ कोई फॉर्मर रिटायर, अच्छा, जी जी वो रहते थे. तो ऐसे कई तरह तरह के इंसिडेंट, अच्छा, क्योंकि मैं सरप्राइज ये करता था कि जब मैं सुना तो मैं सोचता था बाबा साहब इतने बड़े मकान में कैसे ले लिए यूरोप के अंदर, वो भी इंग्लैंड के अंदर पढ़ने के लिए आए हुए. जी जी जी. तो आई थिंक डेफिनेटली जो है ये तो यहाँ के रेट काफी कम रहे होंगे या कुछ रहा होगा, लेकिन अब आपने बताया कि चार लोग थे उसमें, चार डिफरेंट फ्री होल्डर माने लीज होल्डर थे. कितना देते रहे होंगे किराया, कुछ आपका अंदाज है? अरे वो तो बहुत ही कम थे, इतना मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन बहुत कम था. और बाबा साहब का जो लिखा हुआ है और वो जो लैंडलेडी जो थी ने वो बहुत ही स्टिंजी कंजूस थी. अच्छा. वो बाबा साहब को कभी जो है ना ड्राई ब्रेड और ऐसे कुछ दे देती थी. अच्छा. और कभी कभी तो बाबा साहब पापड़म और वो ऐसे जो है ना चीजें खा के अपना. हाँ जी बिल्कुल. तो बहुत भारतीयों के लिए तो बहुत मुश्किल था उस जमाने में आके. और वो उसका जो मेन मील जो है लुकी सुकी जैसी ब्रेड जी और थोड़ा बहुत कुछ बटर लगा नहीं लगा पता नहीं क्या और ऐसे वो दे दी थी. और कभी कभी तो लेट हो गए तो क्या उस जमाने में क्या जो मील की जिम्मेवारी थी वो ओनर्स के ऊपर होती थी? नहीं वो शायद इस तरह से बाबा साहब का लॉजिंग एंड बोर्डिंग था ना. ओके. बोर्डिंग था. अच्छा अच्छा अच्छा. बोर्डिंग था वो. अच्छा. बाबा साहब एक लॉजर थे ऐसे. ओके. टेनेंट के भी टर्म नहीं है वो. जी जी लॉजर था तभी मैं बिल्कुल आप सही तरह से वो लैंडलेडी जो थी ऐसे वो लॉजर का रेफरेंस हमको मिलता है. हाँ जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही रहा होगा, पॉसिबिलिटी वही रहा होगा. जी बिल्कुल जी. तो ये तो बहुत बड़ी बात है. तो यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट अब कुछ आगे नहीं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जो स्पेशली ये धीरे धीरे जब हम लोगों ने ये देखा और खास तौर पर जो हमारे प्रेसिडेंट संतोष दास ने काफी मेहनत की जी जी बता दे रहे. पहले हाँ. तो जो कांग्रेस जो सरकार थी उसने मान लिया था हाँ, मान लिया काम करना चाहिए होना चाहिए. फिर बाद में वो कांग्रेस की सरकार गिर गई तो फिर वो बीजेपी ने ये बीड़ा ले लिया जी जी. और फिर वो खास तौर पर जो उसके जो मिनिस्टर रहे मिस्टर राजकुमार भडोली जी 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 वो काफी सिंपैथेटिक रहे कि ये काम होना चाहिए जी बिल्कुल. और वो चीफ मिनिस्टर भी काफी सिंपैथेटिक जी जी जी. महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वो ये लेने में काफी सहायता की. ये जो यहाँ पर फेडरेशन ऑफ अम्बेडकर बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों ने एस्टेब्लिश किया
इसके पीछे क्या उद्देश्य था और कब एस्टेब्लिश हुआ? वो उद्देश्य था माने 85 के अंदर, 85 में तरह तरह के जगह जगह पर जो ऑर्गेनाइजेशन थी जी, ग्लासगो जी, फिर बेडफोर्ड, फिर लंदन, पहले जो अंबेडकर इंटरनेशनल एग्जीबिशन भी था जी, बिल्कुल। तो ऐसे तरह तरह की जो संस्थाएं ये थी, तो वो संस्थाओं ने इकट्ठे होके सोचा कि हम लोगों ने एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जी। तो 85 से वो सब चल रहा था, तो धीरे 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 करता वो जब सेंटिनरी का टाइम आया तब सब बन गए, वो सब साथ में हो गए। और वो पहले वो मिलके ही वो लोगों ने बनाया अंबेडकर सेंटिनरी सेलिब्रेशन कमेटी। अच्छा, तो वो लोगों ने बड़ा काम किया इतना अच्छा, सब मिलके, सभी ऑर्गेनाइजेशन मिलके। तो इस सेंटिमेंट बाबा साहब का लाइव रखने के लिए ये लोग सब मिलते जुलते रहे और ये काम होता रहा। लेकिन जैसे यहाँ पर सारे लोग मतलब एक लेवल पे आ चुके हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं, सक्सेस स्टोरीज भी हैं जी, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि डाइवर्स कम्युनिटी अपनी आइडेंटिटीज को रखना चाहती हैं जी जी जी। और आप लोगों ने बाबा साहब के मिशन को लेकर आपका ये मानना था कि भाई जैसे जो बाबा साहब ने अपना बुद्ध धर्म ग्रहण किया वही हमारी पहचान है जी। तो ये जो अभी भी जो एक एकता में जो एक थोड़ा सी हिंड्रेंस कहीं ना कहीं आती है जी, क्योंकि वो मरमर्स तो सुनाई देते हैं जी जी, और चाहे हम ऊपर ऊपर एक कॉस्मेटिक एकता भी करें लेकिन थोड़ा थोड़ा सी कहीं ना कहीं पर हल्का फुल्का डिफरेंसेस आते हैं। वो होता रहेगा, लेकिन जब हम लोग जो है जो कुछ लोग जो ज्यादातर जुड़े हुए जी, जैसे बाबा साहब हमारे मोस्ट वनरेबल सदाती साहब बंती से 17 ईयर साथ में थे दिल्ली में। अच्छा, और पूरा का पूरा जो मिशन और दीक्षा का जो कार्यक्रम बनाने में बंती ने बहुत सारा सहयोग किया जी जी। तो इसी तरह से यहाँ हम लोगों को बंती जी जब चले गए जी, वहाँ तक बंती जी के साथ हमको 19 ईयर्स रहने का मौका मिला। ओ, और अच्छा। बंती जी के साथ बैठ के हम बातें करते थे और वो बंती जी जिस तरह से वो बाबा साहब को कहते थे कि आपको मैं यहाँ से श्रीलंकन चाय पिलाने के बिना जाने नहीं दूंगा। अच्छा। इस तरह से हमेशा वो हमारे साथ इतना जो मेता भावना रखती थी जी जी, तो वो उसका हमने बहुत ब्लेसिंग मिला जी। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की वजह से आज हम लोग यहाँ फूले फाले हैं और अच्छी तरह से मिशन चल रहा है। तो ऐसे भिक्खु लोगों का भी काफी हम जो है ना एहसानमंद है जी, जो आज हमको जो कुछ मिला है जी जी जी। तो लेकिन जो बाबा साहब के जो अपना जो एक उद्देश्य था एक जमाने में सबको कहते थे कि भाई हम प्रबुद्ध भारत का सपना देखते हैं, तो उस प्रबुद्ध भारत के सपने में जो छोटी 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 नई आइडेंटिटी आएंगी अलग अलग जगह जी, वो आपको लगता है ना कि कहीं ना कहीं पर एक विरोध अंतर विरोध पैदा करती है? डेफिनेटली जो बाबा साहब का जो सपना था वो मे बी नॉट सीइंग इन अ वाइडर पर्सपेक्टिव, बट वो जैसे मंत्री ने सदा दिशा ने बहुत बड़ी दीक्षा सेरेमनी की थी जी वेस्ट फ्रॉम बीच टाउन हॉल के अंदर। अच्छा। और उसके बाद में छोटे मोटे और भी प्रोग्राम होते रहे। हाँ जी। तो ये जो सब जो बातें हैं इतने बड़े पैमाने पर नहीं है, लेकिन जो लोग हैं वो हमारा जो प्रोग्राम है हमारा काम है, जहाँ तक हम त्रिशरण पंचशील नहीं लेंगे, वंदना त्रिशरण पंचशील नहीं लेंगे, वहाँ तक हम कोई प्रोग्राम शुरू नहीं करेंगे। ऐसी कुछ चीज़ें जो है वो परंपरा है वो चलती रही है और आगे चलेगी भी, तो उसमें कोई सवाल नहीं है कि हम लोग पीछे रहेंगे। अभी मैंने सुना था कि सन शायद 70s में यहाँ पर बर्मिंघम में लोग बुद्धिज्म को स्वीकार किए थे, फिर तो कुछ ऐसा यहाँ पर मैसिव लेवल पर कोई ऐसा प्रोग्राम हुआ जिसमें बुद्ध लोगों ने बुद्ध धर्म ग्रहण किया? ऐसा हो किया है, वो एक बड़ा फंक्शन हुआ था वेस्ट ब्रॉमविच टाउन हॉल में, वेस्ट ब्रॉमविच में हुआ था। अच्छा, बर्मिंघम के इलाका ही है वो। अच्छा, वेस्ट ब्रॉमविच टाउन जी जी जी। कितने लोगों ने करीबन बुद्ध धर्म? वो करीबन 600 लोग होंगे। 600। अच्छा, वो टाइम पर। तो अभी आप लोगों के पास कुछ ऐसा रिकॉर्ड है कि जो हमारे अंबेडकराइट बुद्धिस्ट हैं ये लंदन के अंदर कितने होंगे? वो अभी मतलब यूके में, यूके में हमारे पास कोई एक्चुअल ऐसा डेटा वगैरह तो नहीं है,
बट काफी लोग होंगे, मस्ट बी 30-40,000 मिनिमम मिनिमम, वेरी कंजर्वेटिव फिगर. अच्छा जी, होंगे ही होंगे. और लोगों को जो गिना जाए, बुरे लोग भी. हाँ जी हाँ जी, जैसे कि वो बंटी संघर्षदा के मूवमेंट. हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वजह से. और ज्यादा भी कहा जाए, लोक मित्र जी जो वहाँ पर, उन्होंने इंडिया में बहुत बड़ा काम किया है. जी जी, और मेरे ख्याल से आई थिंक द बिगेस्ट वर्क जी जी ऑफ जी इन नागलोक और सब बना करके, तो काफी जी जी आने वाली जो जनरेशन है हमारी, क्योंकि आपने बहुत देखा, बहुत संघर्ष भी किया, देखे कि पत्थर जोड़ के केंद्र बनाया, और बहुत सी चीज़ें आपके अचीवमेंट्स में हैं, उपलब्धियाँ देखी हैं. क्या चीज़ है जो अभी आपको लगता है कि पूरा नहीं हुआ और अभी वो मिशन को वहाँ पहुँचाना है? हम लोगों ने जो एक संगठन ऐसा होना चाहिए इंटेलेक्चुअल लोगों का जी, खास जिस तरह से आप दुनिया देशावर में घूमते हैं, और बाबा साहब की आप जैसे लोगों पर बहुत बड़ी आशा थी कि आप सब लोग इकट्ठे होके यूनाइटेड होके बाबा साहब का जो मिशन है सही तरह से लोगों को समझाए, और एक साथ में सब एक जुट होके सब लोग सब काम साथ में करें तो बहुत कुछ हो सकता है. तो अभी सबसे बड़ा जो काम हमारा है वो ये है कि सभी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पर लोग हैं, और अभी सबसे बड़ी तो हमारे लिए उपलब्धि तो ये है कि टेक्नोलॉजी का जो इतना बड़ा फायदा है जी, डिजिटल लाजी एब्सोल्युटली, तो उसका हम लोगों ने सही ढंग से फायदा लेके हम लोगों ने बहुत सी सब काम जो है आराम से हम लोग कर सकते हैं एक दूसरे को. अभी तो कई चीज़ों के लिए जाना भी जरूरी नहीं है, लेकिन आप अच्छा है कि आप जाते हैं, तो इससे आपको बहुत सी चीज़ों का जो है सवाल का जवाब मिल जाता है, तो अच्छा है आप जाते हैं, वो भी जरूरी है. लेकिन अभी सभी को जोड़ना और सभी को साथ में मिल के काम करने के लिए ये जो प्रेरणादायी काम करना है ये सबसे बड़ा है. ये बहुत कठिन काम है क्योंकि तो उसमें क्या होता है कि सभी को डिफरेंसेस ओपिनियन है, इस बात में हम ही सही है, उसके बाद में हम ही सही है, तो उसमें हम लोगों ने तथागत ने जैसे कहा है मिडिल वे फाइंड आउट करना, मध्यम मार्ग हम लेके सभी जगह से इंटेलेक्चुअल लोग कहो, एक्टिविस्ट कहो, सभी लोगों ने मिलजुल के सभी चैनल्स कहो, डिफरेंट चैनल्स है वो सभी लोगों ने मिलके सभी ने काम अच्छी तरह से करना चाहिए. अगर जहाँ तक ये सब एक स्ट्रॉन्ग यूनिटी हमारे लोगों को नहीं होगी वहाँ तक काम हमारा बहुत कठिन होने जाने वाला है. और ये धीरे धीरे आने वाली जो पीढ़ी है वो लोग इतने बिजी है क्योंकि ये लोगों की समस्या भी बहुत है, वो लोगों की अभी पहले का समय नहीं रहा. अभी ये लोगों का जो अपना जितना आसान है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी अच्छे है और नॉलेज भी अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन उसके साथ साथ में ये लोगों को जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ गई है क्योंकि सब कुछ अपने आप करना पड़ता है. अभी जैसे कि आप गार्डनिंग कहो, आप किचन कहो, आप सफाई कहो, यू हैव टू डू एवरीथिंग योरसेल्फ. यहाँ नहीं है कि गाड़ी कोई और बाहर जाके साफ करवाएंगे, आप अपनी गाड़ी साफ करेंगे, आप अपना माहौल संभालेंगे, तो सब कुछ काम अपने आप को यहाँ करना पड़ता है. तो ऐसे माहौल के अंदर वो लोगों को हमारे साथ प्रेरित करके नौजवान पीढ़ी अगर उसको हम कामयाब हुए सफलता में साथ में लेने के लिए, नौजवानों और ख़ास तौर पर हमारी महिलाओं को जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा महिला हमारे साथ जुड़ के काम करें, तो अवश्य हम लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं. ये काम अभी तक हुआ नहीं है. सभी जगह पर जब भी मीटिंग होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी महिलाओं होती ही नहीं है, बहुत कम होती है तो एनकरेज नहीं करते हैं. और फिर इस तरह से जो नौजवान जो है वो उसको क्या समस्या है उसको हम किसी तरह से प्रेरित करके हमारे मिशन में और जोड़ सकते हैं, ये हम लोगों ने बहुत ही सोच से माने ये एक बड़े चिंतन करने का विषय है. ये एक सबसे बड़ी ऐसा नहीं लगता कि जैसे जो जो मिशन में जब पॉजिटिव काम करना होता है, क्योंकि मिशन में जब हमारे पास में कोई विकल्प होता है तभी हम उस काम पे विकल्प पे चलते हैं जी, और विकल्प नहीं होता है तो हम फिर जो है वो अल्टरकेशन में आते हैं और फाइटर मोड में रहते हैं. That's right. So, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने तो विकल्प हमको दे दिया था जी,
और वो विकल्प का रास्ता जो था वो जो आप लोगों ने ये विकल्प है ये आपने खड़ा कर लिया जी। तो जब आपने ये खड़ा कर दिया तो आपको किसी के साथ लड़ने की अब जरूरत नहीं रही, क्योंकि आप अपने रास्ते पे चल रहा है, वो दूसरा अपने रास्ते पे चल रहा है, जो नहीं आ रहा वो अपने रास्ते पे है और एक मीटिंग पॉइंट कभी बनता है तो मिल जाते हैं जी जी। तो ये जो 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 कंस्ट्रक्टिव वर्क है जी, ये जिसको आप बोलिए वैकल्पिक वर्क, विकल्प बनाने की लड़ाई जो है जी जी जी, ये बड़ी कठिन होती है, क्योंकि इसमें तो बहुत काम करना पड़ता है, बहुत कठिन होती है। क्योंकि अगर खाली नारे वारे लगाने होते तो रोज आप लगा के आ सकते थे वापिस और सेटिस्फाई हो जाते कि भाई हमारा फोटो आ गया और हमने वो कर दिया। तो क्या नहीं लगता कि ये जो पूरी आंदोलन में जो विकल्प बाबा साहब ने दिया कि भाई हम अच्छी लाइब्रेरीज बनाएं, स्कूल अपने खोलें, मतलब सोसाइटी को अपना देने का जो पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव काम करने जी, उस पे कम एनर्जी लोगों की लगी? वो एक्चुअली क्या है कि कभी कभी वो जो सोच है वो अपनापन जो है किस तरह से कैसे आगे ले जाना उसमें वो भी डिसाइड करता है, तय करता है कि भाई किस तरह से वो क्या है, वो कितनी जो उसमें ट्रेनिंग है। जैसे अभी आपको जो है आप जगह जगह पर आप जाते हैं, आप केडर कैंप लेते हैं, लोगों को तैयार करते हैं, अपने आप भी आप तैयार करते हैं कि मुझे भी क्या करना चाहिए, मुझे भी क्या कमी है, मुझे सुधारना है, तो आप अपने आप से खोज करते हैं। तो ये जो सब चीजें जो है वो ऐसे आसानी से नहीं आती, वो 24/7 ये चिंतन करना पड़ता है, एक लगन होता है कि हमारा ये काम है और हमको ये करना है जी। तो वो करने के लिए अवश्य सफल हो सकते हैं और होंगे ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। और मुझे तो पॉजिटिव ही लगता है, क्योंकि सभी लोग बहुत ही डेडिकेटेड है, बहुत ही कमिटेड है, और जहाँ भी देखो लिमिटेड साधन से भी जो भी जहाँ भी कहो लेकिन वो अपना दरवाजा खोलते हैं। जहाँ भी हम लोग गए तो वो सबसे पहले जो माहौल होता है, आप कैसे हो, आपके परिवार कैसे है, आपने खाना खाया क्या, ऐसे इस तरह से जो कोई भी मीटिंग है तो वहाँ वो लोग हमेशा तैयारी रखते हैं सब। तो ये माहौल कैसे बिल्डअप हुआ, ये बिल्डअप बाबा साहब की तरफ से हुआ, और वो लोग कहते हैं कि आप आए तो हमको बहुत अच्छा लगा जी, जी, एक पारिवारिक। मैं कभी कभी एक रिमोट जगह पर जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि आपके लिए हम बहुत टाइम से आपका इंतजार कर रहे थे, आज आप आ गए इतने समय के बाद। तो ऐसा लगता है कि वो कई समय से हम लोग साथ में जुड़े हुए ही थे, ऐसे नहीं। तो ये क्या होता है कि एक तरह का मिशन के साथ लगन और एक लगाव जो है वो अचानक नहीं आता है, ये बाबा साहब ने ऐसे हमको मोड़ पर रख दिया है जी, जी। कि ये कुछ अभी आराम से नहीं होने वाला है, माने कोई भी चीज के अंदर संघर्ष हमेशा। अगर एक हत्याकांड हुआ गुजरात के अंदर और लोग कहाँ से, पंजाब से, बंगाल से, कहाँ कहाँ से लोग आ गए, और वो लोग आए तो आए लेकिन वो सभी के लिए भोजन का कहो और वो सब तय किया था जी, 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 वो लोगों के लिए भोजन का कहो, लोगों को रहने का कहो, ये सभी लोगों के आराम से तय किया हुआ था जी, जी, तो एक जो भावना है जी, एक जो काम है, कोई ये ऐसे अचानक नहीं हो पाया है, वो कितने सालों से, कितने समय से ये जो एक मिशन का जो परंपरा जो चलती आई है इसी वजह से है, ये कोई अचानक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा परिवार जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कारण से हम लोग बन गए, बन गया। तो यहाँ भी आते तो ऐसा लगता है कि परिवार है, कहीं भी चले जाते तो परिवार का ही तरह नजर आता है जी, जी, जी। तो ये बहुत बड़ी बात है जी, जी। तो ये आपने बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि पॉजिटिव सिग्नल तो है, क्योंकि जो हम लोग देखते हैं कम्युनिटीज के अंदर और काम कर रहे हैं लोग, जिसके पास कम पैसा है वो ज्यादा मेहनत कर रहा है, ये भी है, वो पैसन भी लगा रहा है पूरे उससे। तो ऐसे में जो है जब आप लोग जैसे नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं यहाँ पर रह रहे हैं और हमारे देश के अंदर अभी जैसे आपने कहा कि काफ़ी माहौल भी है इस प्रकार का, दक्षिणपंथी ताकतें भी हैं लगातार, जैसे जैसे जो दलित आगे बढ़ते चले जाएंगे, आदिवासी आगे बढ़ता चला जाएगा, तो वैसे वैसे जो है वो उस प्रकार की जो उनको पीछे धकेलने वाली ताकतें वो भी ऑपरेटिव हैं। तो इस कारण से जो है आप लोगों की जिम्मेवारी शायद औरों से ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप इसमें हैं और वहाँ पर काम करने वाले लोगों पे भी काफ़ी खतरे मंडरा रहे हैं, तो उनको उनकी तरफ देखना या उनकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना शायद ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी अम्बेडकरवादी लोगों पे होगी। हम देख रहे हैं वो एग्जैक्टली वो हो रहा है, और उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी तकेदारी रखनी है, और वो मार्गदर्शन के लिए हमारे साथ संपर्क में भी रहते हैं, और हम वो लोग मिसगाइडेड नहीं हो जाए इसीलिए हम तकेदारी भी रखते हैं कि वो सही ढंग से
वो हमने हमारा जो मिशन है, हमारा जो तय किया हुआ जो एक रास्ता है, उससे हमने आगे पीछे नहीं जाना है। हमको एक ही निशाना रख के बाबा साहब का मिशन पर हमने आगे चलना है, और वो हमारा जो निशाना है और जो हमारा जो ध्येय है, वो ध्येय पर हमने जाके रुकना है। वो लोग लगे हुए हैं और हमने भी उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, वो हम अवश्य करेंगे ही करेंगे। क्योंकि जैसे पिछले कई सालों में, अब पिछले साल जो है, जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है इंडिया के अंदर, जिसमें करीबन 1200-1300 स्टूडेंट जो है PhD करते थे जी, और बड़ी संख्या में दलित, आदिवासी और पिछड़ी जाति के स्टूडेंट उसमें आए जी, और इस साल सरकार ने जो है उसको लगातार उस PhD की संख्या घटा करके 100-150 के बीच में रखी है जी। फेलोशिप्स कम हो गए हैं जी। अभी आपने देखा कि गोरखपुर में जो है एक हॉस्पिटल में 70 के करीबन बच्चे मरे जी, जो जो मतलब सरकार कहती है कि ऑक्सीजन के सिलेंडर की कमी नहीं थी, कुछ और कमी थी, लेकिन कहते हैं कि भारत में जो है हॉस्पिटल्स, स्कूल इस धीरे 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 करके गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है जी। और ज़्यादातर गरीब हमारा जो भूमिहीन और जो शिकार है वो दलित, आदिवासी है जी। तो इस संदर्भ में आप लोग क्या सरकार से कह सकते हैं? सरकार से जो हम कहे उसकी जगह पर, तो पहले जो हमारे दलित दस्तक है, हमारे और भी मीडिया है, वो जिस तरह से रिपोर्ट तैयार करके आम लोगों के सामने रखते हैं, वो सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि हम तो यहाँ थाउजेंड्स ऑफ मील दूर है, तो लेकिन हम लोग डेफिनेटली इस पर विजिलेंस है, हम देखते रहते हैं, हम कंसर्न है कि ये क्या हो रहा है। एंड ऑफ द डे तो हमारा जो काम है वो हमारे लोगों के लिए ही है। बिल्कुल, तो लोगों को हमने, हम तो इतना आगे आके हम यहाँ आ गए, अगर हम सुख चैन से हम लोग जीते हैं, लेकिन हमारे लोग इस तरह से जो मरते हैं और वो लोगों को हम टेलीविजन पर रोते हुए देखते हैं, तो हमारा दिल भी कोई ऐसे हिबक जाता है कि ये क्या हो रहा है। तो अवश्य हम लोग भी इसे कम्प्लीटली इफेक्टेड है जी, उसमें कोई डाउट नहीं है जी। लेकिन वो काम तो जो लोग कर रहे हैं, हमारे मीडिया वाले और आप जैसे हैं, जगह जगह पर आप जाते हैं, लोगों को मिलते हैं, बात करते हैं, उसको भी हम लोग मिलते जुलते रहते हैं और साथ में संपर्क में हम रहते हैं। अभी आपका एक बहुत बड़ा स्कूल है गुजरात के अंदर आदिवासी इलाकों में जी, और 12वीं क्लास तक वो है जी, मैं वहाँ पर गया हूँ जी, और भी बहुत अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं। इस स्कूल को खोलने की प्रेरणा कैसे मिली? प्रेरणा तो सबसे पहले जो माता जी ने कहा कि आप गांव के अंदर पहले ग्रेजुएट हुए, अच्छा, तो अभी आप तो आगे बढ़ गए, इतना इतना आप कर गए, आप लंदन में पहुंच गए, इधर उधर पहुंच गए, सब कुछ किया, लेकिन ये बेचारे गरीब लोग जिसके साथ जो हम लोग जिस तरह से राब खा के और किस तरह से जिए और गरीबाई से हम रहे, तो उसके लिए भी कुछ करना है जी। तो वो माने टहल डाली जी कि आप लोगों ने ऐसे बैठे रहने से नहीं चलेगा, आप लोगों ने कुछ करना चाहिए, अच्छा। तो हमको भी लगा कि ये जरूरी है, अच्छा। ये एजुकेशन जो है बाबा साहब के सबसे पहला मंत्र था, तो इसीलिए हमने किंडरगार्टन से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक 2 एकड़ लैंड के अंदर बहुत ही अच्छी जगह बनाई, करुणा माध्यमिक स्कूल तक हम लोग गए। और जब किया नारायण साहब 95 में आए जी, तो किया नारायण साहब ने भी कहा था कि आप लोग यहाँ ट्राइबल के लोगों के बीच में काम करो, आप कटिबंध हो जी, प्रतिबंध हो कि ये काम आप लोगों ने करना है। तो हमने कहा था कि हम लोग करेंगे जी। तो उसके बाद ही 5 साल के अंदर हमने 2000 में ये स्कूल का कंस्ट्रक्शन किया, कुछ 5 साल में, और फिर 2000 में हमने स्कूल का ओपनिंग किया। और वो पूरे जो है 99% हमारे ट्राइबल आदिवासी मूल निवासी बच्चे लोग वहाँ पढ़ते हैं, और वो कहते हैं कि अगर ये स्कूल जो नहीं बनती तो हम तो एजुकेशन के बिना। अभी तक 12th स्टैंडर्ड तक है या 10th? नहीं, अभी डाउन है, अभी डाउन है, क्योंकि कुछ वजह है, कुछ कठिनाइयां होती है स्टाफ की और चलाने की, और वो ऐसे धीरे धीरे धीरे। इसको भी कोई सरकारी मदद नहीं मिलती? सरकारी कोई मदद नहीं है, क्योंकि वो ये नॉन ग्रांटेड स्कूल है, अच्छा। तो वो हमने अपने आप ही मदद करना पड़ता है, उसमें बच्चों की फीस से भी कुछ नहीं आता। बच्चे की फीस जो है वो बेचारे दे नहीं पाते, बहुत ही गरीब है। तो वो तो कहते हैं कि हम इधर इसीलिए आते हैं कि हमको एक समय जो है खाना मिलता है, अच्छा, खाना भी मिलता है, खाना मिलता है, इसीलिए हम आते हैं, अच्छा। नहीं तो हम इधर स्कूल में, हमको कितने बच्चे होंगे करीबन आपको? ऐसे पहले हमारे 580 थे, अच्छा, लेकिन अभी कम है, अभी कम, अभी कम हो गए हैं।
तो अभी उस स्कूल को आगे कुछ और बढ़ाने का योजना है? हाँ, स्कूल के आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि वो रेजिडेंशियल बनाया जाए, तो रेजिडेंट के लिए सरकार के तरफ से मदद मिलती है जी जी, और फिर वो तो रेजिडेंट के लिए हम लोग वहाँ के एनजीओ और लोगों से, रोटरी क्लब से और अच्छा से सोच रहे हैं, उसके लिए कुछ अप्रोच कर रहे हैं। अगर कुछ धीरे 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 कुछ प्लानिंग में सफलता मिली तो हम आगे और भी एक्सटेंड करेंगे। तो ये मुझे बताइए कि आप गुजरात से आए, तो गुजरात में जब आप यहाँ लंदन आने से पहले आपके पिताजी और गांव में माँ पापा क्या काम करते थे? पिताजी तो मैं 6 साल का था तो चले गए थे। अच्छा, 6 साल में गए? हाँ, माता जी थे वो एक्चुअली वो जैसे लेबरर थी, फील्ड में काम में काम करती थी, और वो बहुत ही गरीब हालत में हम थे। हम लोग खेती वगैरह थी आपको? खेती वेती कुछ नहीं, थोड़ा बहुत जो था वो भी वो कर्जे के अंदर वो लेके चले गए थे, वो सूट वाले जो होते हैं जी जी, वो लेके सब चले गए। तो फिर बहुत ही गरीब अवस्था से हम लोगों ने कैसे पढ़ाई की, कैसे कैसे तो जब आप लंदन आए तो लंदन आने के लिए आपको कोई कर्जा लिया है, कोई स्कॉलरशिप मिला नहीं है? वो यहाँ से मेरे एक दोस्त ने मुझे मदद की थी। अच्छा, अच्छा, मेरे दोस्त ने मुझे मदद की थी जी जी, तो इस तरह से वो एक सुविधा रही थी। तो बहुत बड़ी बात है कि कोई अगर हेल्प कर दे तो, क्योंकि वो भी आजकल नहीं मिलती बहुत आसानी से। नहीं मिलती, बट वो हुई अच्छी तरह से। तो थोड़ी और देर की बात है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये गौतम चक्रवर्ती जी आपका ओरिजिनल नाम है या आप ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जी जी जी, जब हमने दीक्षा ली जी, तो वो टाइम पर जो है ना भंते जी ने कहा अच्छा कि जो ये आपका नाम जो है आपने बदलना है जी। अच्छा, भंते जी ने फिर नाम दिया कि आप जो है जिस तरह का आपका व्यवहार है, जिस तरह से आप प्रेयर करते हैं जी, तो आपका जो बुद्धिस्ट संस्कार है जी, तो आपने जो है ये चक्रवर्ती नाम रखना है। चक्रवर्ती आपको पहले चक्रवर्ती गौतम? हाँ, वो ऐसे गौतम चक्रवर्ती लिखते हैं, लेकिन वो चक्रवर्ती चक्रवर्ती हाँ, इस तरह से वो बंते जी का चॉइस था। अच्छा, तो हमने कहा, माता जी ने भी कहा कि हाँ अच्छा है, इतना बड़ा तो होने वाला तो नहीं है, लेकिन चलो आपने पसंद नहीं, बिल्कुल आपके आपके बर्ताव के हिसाब से है रख लेते हैं। तो जी इस तरह से वो हमने, आपने कब दीक्षा कब ग्रहण की? वो 53 इयर्स हो गया। 53 इयर्स हो गया? 53 इयर्स, मतलब 19, मतलब यहाँ आने से पहले कर दिया? यहाँ आने से पहले। अच्छा, यहाँ आने से पहले? से पहले गुजरात में कर दिया? जी जी जी, दीक्षा यानी कि हमारा जो है ना माहौल पूरा, हमने ये जिस तरह से जो है बुद्धिस्ट संस्कार से हम जीने लगे थे जी जी जी, और वो पूरा इस तरह से हम रहते थे बुद्धिस्ट की तरह। अच्छा जी, आपको कभी बाबा साहब वगैरह के पास जाने नहीं? तो बाबा साहब तो महाराष्ट्र में रहे ने, बाबा साहब तो गुजरात से हमारे इतना ट्रैवलिंग करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दुनिया भर में अम्बेडकर वादी हैं, उन अम्बेडकर वादियों से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या चीज़ है जो अभी आपको कचोट रही है और क्या चीज़ आप आगे देखना चाहते हैं? हमारी आखिरी ख्वाहिश ये है कि जो हमारे सूत्रधार थे, हमारे मार्गदाता थे, जैसे कि भगवान दास जी है, बाली साहब है, और जो हमारे जो और साथी जिसके साथ जिसने हमने बहुत कुछ दिया, जैसे वसंत मून थे जी, कितने समय तक हम बैठ के बातें करते रहते थे, पीटी बराले थे, ऐसे ही लोग हैं जिसके साथ जो हमने बातें की, जिसके साथ की जो हमने संस्कार जो पाए जी, और वो लोग कहा करते थे कि अभी हम तो जाने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरह से हम भी अभी टिकट कटा के लाइन में ही खड़े हुए हैं, कि बहुत सी चीज़ों से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल सभी चीज़ें पीछे पड़ी है, लेकिन फिर भी हम अभी लगे हुए हैं। तो हम यही कहेंगे कि भाई जो हमारे पर जो मिला है, जो काम हम लोगों ने लिया है जी, तो किसी न किसी हालत में उसमें हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है जी, वो काम हमारा जो अधूरा है वो पूरा करना है, जहाँ तक हमारा आखिरी श्वास है वहाँ तक करना है, और जो छोटे मोटे डिफरेंसेस जो है जी, वो भूल जाओ, और अमेरिका है, जापान है, और यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया जी, ऑस्ट्रेलिया है, जो भी है कुछ भी है, लेकिन सभी लोगों ने मिलके एकजुट होकर काम करना चाहिए, तो एक बड़ी स्ट्रेंथ तैयार हो जी जी, अगर वो जो तैयार होगी तो हमारे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं रहने वाले, और हमारी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, हमारा मिशन जो है सक्सेसफुल भी रहेगा, और बाबा साहब का जो सपना है वो हम पूरा कर पाएंगे। यही हमारा सभी लोगों को और जहाँ भी लोग हैं उसको हमने यही कहना है कि भाई ये अभी आप
यही टाइम है अभी जी, इसमें बड़ा हमारे पास जो सब कुछ मिला है बाबा साहब की वजह से जी जी, टेक्नोलॉजी के लिए कहो, डिजिटल वर्ल्ड कहो, सब कुछ मिला है। तो हमने किसी को भी आगे पीछे बात करने के बिना हमने आगे मिशन जो है वो ले जाना है और यही मकसद हमने सामने रखना है। तो अवश्य हम लोग किसी न किसी हालत में टाइम वेस्ट करने के बिना मिशन को हम आगे ले जाए। बाबा साहब ने कहा था कि अगर मेरे मिशन को आगे नहीं लेंगे तो पीछे मत खींचना। कभी भी नहीं, वो ऐसे कभी पीछे तो कभी नहीं जाएगा जी। जहाँ तक जो जिस तरह से लोग डिटरमिन लोग है वो कभी नहीं, वो तो आगे ही जा रहा है। सामाजिक आंदोलन को मजबूत होना और सामाजिक, उसमें कोई सवाल नहीं है, उस सामाजिक आंदोलन आगे ही जा रहा है और जाएगा ही जाएगा। और चढ़ बढ़ के जो लोग आगे आ रहे हैं, मैं आपको एक ही मिसाल और एक एग्जांपल दे के बात खत्म करता हूँ। कल मैंने एक बात देखी, मेरी मिसेज की भाभी थी जी, अचानक उसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ। अच्छा, तो ब्रेन स्ट्रोक हुआ तो लंदन की इतनी नामांकित और सबसे बड़ी हॉस्पिटल है यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी कॉलेज हार्ट ऑफ लंदन में है जी। तो वहाँ उसको एडमिट किया, तो मेरे साथ मेरे बड़े भाई की बेटे की बेटी, मेरी ग्रैंड डॉटर, वो वहाँ पढ़ती है। अच्छा, एंड शी इज 9th ऑफ द होल ऑफ कैनेडा इन द न्यूरोलॉजी, ब्रेन स्ट्रोक के अंदर उसकी स्पेशलिटी है। ओके, तो वो कहने लगी कि दादाजी यू नो दैट इज द प्लेस वेयर आई गो फॉर माय प्रैक्टिस। ओके, एंड वन ऑफ माय प्रोफेसर इज द स्पेशलिस्ट नॉट ओनली फॉर द यूके बट फॉर द वर्ल्ड, ही इज माय गाइड। ओके, एंड माय प्रोफेसर जी, एंड आई गो देयर, सो आई नो वेयर इज दैट यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्पिटल यू वांट टू गो, आई टेक यू देयर जी। तो मुझे ये लगा कि वहाँ कहाँ वो जो जब भी वो बच्ची जो थी ने वो 8 साल की थी। अच्छा, वो कनाडा गई थी टोरंटो। ओके, 8 साल की, 8 साल उसके 8 साल तक हम लोग वहाँ कॉन्वेंट में इंग्लिश में उसको पढ़ाते थे। अच्छा, उसको इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश में वहाँ पढ़ती थी, और वहाँ जाके उसने पढ़ाई की और वो न्यूरोलॉजी में उसमें नंबर 9 पूरे कनाडा के अंदर जो आए बीएससी में 94% मार्क लेके उसमें से सी वाज द वन। Okay. उसने जब ये मैच बोला तो मेरे आवाज बंद हो गया, मैं सोचता रहा जी, कि हम लोग कितने गरीब कैसी हालत में और ये बच्ची को किस तरह से हमने पढ़ाया, वो कहाँ गई और इस तरह से, और वो वहाँ कहती है वो टीचर को प्रोफेसर जो डॉक्टर है उसको मिला, वो डॉक्टर को पूछा कि दिस इज उसकी उसने सवाल की जी। तो मुझे अच्छा लगा जी कि हमारा जो लाइफ है, जीवन है, जो हमने सोचा है वो कम्प्लीटली वेस्टेड नहीं है जी। तो इस तरह से इतने बहुत से बच्चे हमारे नौजवान लोग जी, पीएचडी है, स्कॉलर्स है, जगह जगह पर, मिडलैंड में आप जाओ, एक दफा एक बच्चा जो है वो आया मेरे पास, वहाँ में मेरा जैसे स्पीच खत्म हुआ उसके बाद में आया कि अंकल बहुत साल पहले आपको मैंने सुना था जी जी, तो उसके बाद में आज भी सुनने का मुझे मौका मिला तो आपकी बात से हमको प्रेरणा मिलती है जी जी। तो ये सब चीजें जो है ये हमारा अभी आखिरी माहौल है और ये उसमें से हम भी आगे चेतना लेके आगे जाते हैं। तो ये मेरी अपनी पर्सनल मैंने बात नहीं, बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ, और क्योंकि इसलिए कि यहाँ पर मैं बहुत लोगों से मिला हूँ जिनके बच्चे काफ़ी अच्छे, दे हैव अचीव्ड अ लॉट इन देयर लाइफ, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है कि वहाँ से जो माहौल था, जो यहाँ पर जाति का माहौल है, और इधर आके एक आजाद हवा में सांस ले रहे हैं, खुल करके एक बदलाव का मौका मिला, तो ये आप लोगों का जो यहाँ पर आप लोगों को जो यहाँ फुल फ्रीडम मिली, शायद वो फ्रीडम अगर हमारे देश के अंदर दिमाग के तौर पे लोगों को मिल जाए तो सब लोग आजाद होंगे जी। और हमको तो ये भी लगता है कि ये कोई आजादी की लड़ाई कोई किसी के खिलाफ में दुश्मनी की लड़ाई नहीं, वही यहाँ अंग्रेज रहते हैं वो भी हमको दबा सकते थे जी, लेकिन ये समझते हैं कि सब लोग की तरक्की होगी तो सबका फायदा हो जी जी। तो हमको तो यही लगता है कि बाबा साहब का मिशन या बुद्ध का मिशन जो है वो सबको आजाद करने का है जी जी। और अगर इसमें अगर सवर्ण भी आजाद होना चाहते हैं तो वो भी आ सकते हैं जी 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 जी। अगर उनको आजादी चाहिए तो बाबा साहब के मिशन से जुड़े जी जी, डेफिनेटली। और लड़े पिछड़ी जाति के लोग, किसी को ये बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि बाबा साहब हमारे नहीं थे जी जी जी। महिलाएं हैं, सारे देश की महिलाओं के अधिकार उन्होंने उनके सौंपे जी। जब कनाडा में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था तो भारत में अधिकार मिल गया जी जी जी। या पिछड़ी जाति के लोग हैं
तो वो सब जो है उनको बाबा साहब की फिलॉसफी में और बुद्धिज्म में दोनों में आजादी मिल जाएगी। डेफिनेटली। वो बाबा साहब की बदौलत ही ये हुआ है जी। और लोग एक्चुअली जो लोग है, पर्टिकुलरली जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, विद्वान लोग है, और वो लोगों के जब हम सुनते हैं, और हमारे लोगों तो हमारा जो कर्जा है, इसीलिए हम तो बाबा साहब को मानेंगे ही, बाबा साहब की तारीफ करेंगे। लेकिन जो और लोग जिसने बाबा साहब का कोई लाभ और आरक्षण का कोई फायदा बाबा साहब का नहीं मिला है, फिर भी वो लोग अप्रिशिएट करते हैं, एक्नोलेज करते हैं, वो एक सबसे बड़ी सिद्धि है। और बाबा साहब का सपना यही था, बाबा साहब को एक दीवार के अंदर हम लोगों ने रखने का कोई प्रयास नहीं किया है। हमने तो बाबा साहब इज फॉर ऑल, बाबा साहब इज फॉर इंडिया, एंड इंडिया के लिए बाबा साहब है, और वो पूरे विश्व के लिए जो लोग है वो बाबा साहब को आज एक्नॉलेज करते हैं। बड़े से बड़े जो टॉप यूनिवर्सिटीज है, हार्वर्ड कहो और आप कैम्ब्रिज कहो, ऑक्सफोर्ड कहो, टॉप में टॉप यूनिवर्सिटी है, जगह जगह है, वो बाबा साहब को आज एक्नॉलेज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल। बिकॉज जो बाबा साहब ने जिस तरह से अपने विचार रखे, वो ऐसे विचार थे कि लोगों को एक्सेप्टेबल थे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए वो हम लोगों ने अपने आप से सराहना लेनी चाहिए, अपने आप को महसूस करना चाहिए कि ये जो बाबा साहब का जो मिशन है, वो एक कोई छोटी जगह पर और वो एक माहौल के लिए नहीं था। जी जी जी। तो बहुत ही हाई स्टेचर पर था। जी जी, बिल्कुल। और वो जब भी हमारे लोगों के सिवा और लोग जब उसके लिए जागरूक होके वो भी लिख रहे हैं, और आप तो खास तौर पर काफी लिख भी रहे हैं और समझा रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा स्टेज है। लेकिन उसके साथ में अदर साइड भी है, जिस तरह से जो हमारे लोगों की जो सफरिंग जो है जी बिल्कुल, वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही है, और वो जो और एलिमेंट जो है वो अपना काम कर रही है जी जी। तो वो उसका अपना करते रहे जी जी। हम उसके अंदर हमारा जो काम है वो हम करते बिल्कुल, और उसमें कोई रुकावट आने वाली नहीं है जी जी। एक अवश्य। तो बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे उन्होंने कहा कि बाबा साहब का मिशन दुनिया भर में बढ़ रहा है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो ही इज एन इंटरनेशनल आइकॉन, जायंट, इंटेलेक्चुअल जायंट, और उनसे सबको सीखना चाहिए, और उनके विचारों का इस्तेमाल करके आज जो है हम अपने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हालातों से निपट सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो जिस मिशन के लिए गौतम चक्रवर्ती जी यहाँ काम कर रहे हैं, वो उनके मिशन का बहुत सारा हिस्सा उनकी ज़िंदगी के समय में पूरा होगा, और हमारे सभी साथी उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। तो यही शुभकामनाएं हैं आपको भी भविष्य के लिए। और जय भीम नमो बुधाय। जय भीम नमो बुधाय।